तो आप भी अभी देख रहे हो कि आरबीआई और सेबी एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं, यानी कि आरबीआई बैन करना चाहता है स्टेबल कॉइन्स को, क्रिप्टो करेंसीज को, लेकिन सेबी जो है वो सपोर्ट करना चाहता है क्रिप्टो करेंसीज को। वो एक रास्ता दिखाना चाहता है कि किस तरीके से इंडिया में लीगल तौर पर चल सके। अब इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आरबीआई के पीछे कोई और है और सेबी के पीछे कोई और है। हालांकि गवर्नमेंट सेम वही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंट्रोल करने वाले और हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि क्रिप्टो करेंसीज लीगल हो इंडिया में, या फिर क्रिप्टो करेंसी के द्वारा पैसा अर्न किया जाए, या फिर जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो पैसा इस तरीके से अर्न करें कि वो टैक्सेस भी ना दें। तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, जो कि न्यूज़ तो कल के दिन आई थी सेबी के बारे में, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। इसी के साथ आपको एक मैं मीम कॉइन भी बताने वाला हूँ, कौन सा मीम कॉइन अभी अच्छा चल रहा है और जो आप अभी बाय करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी एक करेक्शन आई है तो इसका हम फायदा उठाने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्व ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने एक एयर ड्रॉप ऑलरेडी डाल दिया है। एयर ड्रॉप है, बहुत ही आसान है, साइन अप करना है और AMA के ऊपर जाना है, और इसी के साथ अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि आपने कमेंट करना है, यहाँ पे पोस्ट दी गई है, तो इस तरीके से आप एलिजिबल हो जाएंगे रिवॉर्ड के लिए। तो आप जो भी साइन अप करोगे बिटमार्ट के ऊपर, उसकी जो UID है वो या तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो या फिर हमारे टेलीग्राम के ऊपर ही कमेंट कर देना। तो अभी क्या होने वाला कि जो सेबी है उनको पोजीशन किया गया है कि वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करने वाले हैं, और वो जून महीने के अंदर करेंगे। तो अभी कुछ ही दिन बाकी बचे हैं मई महीने के, तो इन दिनों के अंदर ये रिपोर्ट रेडी करने वाले हैं। तो सजेशन यहाँ पे एक ही दिया गया है कि एक पॉलिसी फॉर्मुलेट कर लेनी चाहिए ताकि जो क्रिप्टो करेंसीज है सम हाउ एनी हाउ लीगल हो सकें। तो सेबी की जो सजेशन है, उन्होंने सजेशन क्या की है कि एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए। ये सजेशन गवर्नमेंट पैनल को दी गई है ताकि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको कंसीडर कर सके। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको कंसीडर करती है देन डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसीज को एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा इंडिया में रहने का, जिससे क्या कि जो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बैन से लगे हुए हैं, या फिर जो हमारी ट्रांजैक्शन सही नहीं होती हैं, क्रिप्टो को हम ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इंडियन एक्सचेंजेस के साथ फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर बैन लगाया जा रहा है, इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर जो हमें मुश्किल आ रही है, टीडीएस लग रहा है, वो सब कुछ बंद किया जाएगा धीरे धीरे। लेकिन उसी के साथ अगर हम आरबीआई देखें तो आरबीआई तो यही चाहता है कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनके ऊपर बैन लगाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन है अगर कोई यूएसडी में यानी कि डॉलर्स में ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है वो यूएसडीटी में कर रहा है। यही कारण है कि आरबीआई चाहता है कि यूएसडीटी की यूजेज ना हो बल्कि सिर्फ यूएसडी की यूजेज हो, और यूएसडीटी की अगर हम वैल्यू देखें तो वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर भी चली जाती है, जो कि 90 क्रॉस आराम से कर लेती है, लेकिन यूएसडी जो देखते हैं वो हम 82-83 रुपये के आसपास ही देखते हैं। तो ज़्यादातर जो पैसा जाता है इंडिया से बाहर चला जाता है वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के द्वारा ही चला जाता है यूएसडीटी के फॉर्म में। तो सेबी ने नई रिपोर्ट में यही बोला है कि वो क्रिप्टो करेंसीज में एक सिक्योरिटीज़ का रूप ही देखते हैं, यानी कि वो एज ए सिक्योरिटी ही देखने वाले क्रिप्टो करेंसीज को, और इनको मॉनिटर करने वाले हैं, और इसी के साथ ICO भी ये मॉनिटर करने वाले हैं। और जो RBI है ये रेगुलेट कर सकते हैं फिएट करेंसी बैक्ड स्टेबल कॉइन्स को, यानी कि उन्हीं स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट किया जाएगा जिनके पीछे बैकअप भी होने वाला है। तो बैक्ड अप एसेट ऐसा होता है कि अगर टोटल 1000 स्टेबल कॉइन्स हैं तो उनके बराबर 1000 फिएट करेंसी भी होनी चाहिए। इसी के साथ जो IRDAI है यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका काम क्या रहेगा कि वो इंश्योरेंस एंड पेंशन रिलेटेड वर्चुअल एसेट्स को देखने वाले हैं, और इनके साथ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी काम करने वाला है जो कि PFRDA है। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तीन अलग अलग हैं, जो कि सेबी, RBI और IRDAI। तो ये तीनों अलग अलग काम देखने वाले हैं। जो सेबी है वो क्रिप्टो करेंसीज को मॉनिटर करने वाला है एज ए सिक्योरिटीज, और ICO को भी मॉनिटर करने वाला है। जो RBI है वो देखने वाला है कि उन्हीं स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट किया जाएगा जो कि एसेट बैक्ड होने वाले हैं। जो IRDAI है वो ओवरसी करने वाले इंश्योरेंस को और पेंशन को, जो कि वर्चुअल एसेट्स के साथ रिलेटेड होने वाले हैं। यानी कि ये तीन चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा, और ये पॉलिसी डिस्कस होने वाली जून में। तो अगर ये अप्रूव हो जाता है देन डेफिनेटली बहुत ही बड़ा ग्रीन फ्लैग मिलने वाला है क्रिप्टो करेंसीज को पूरी इंडियन मार्केट में। और यहाँ पे एक और चीज़ बताई जा रही है कि चौथी एक और रेगुलेटरी को इन्वॉल्व किया जा सकता है, जो है इंडियाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें क्या है कि जो इन्वेस्टर की ग्रीवियंसेज है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, यानी कि अगर आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसीज में प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व किसके द्वारा किए जाएंगे, इंडियाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हालाँकि ये हम भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि इंडियन कंज्यूमर एक्ट को, प्रोटेक्शन एक्ट को नहीं पता हुआ है क्रिप्टो करेंसीज क्या है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता है। अगर वो एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो देन डेफिनेटली किसी को भी नहीं पता हुआ कि प्रॉब्लम क्या आई है और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। अभी जो रिजल्ट्स आने वाले इलेक्शन के वो June 4 को आएंगे, तो तब तक क्या है कि ये कुछ ना कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं, हो सकता है कि ये सच में पॉसिबल भी हो पाए। लेकिन सिर्फ इलेक्शन को देखते हैं तो शायद 2025 तक या फिर 2025 मिड तक क्रिप्टो को लेकर, वेब3 को लेकर कोई बड़ा बिल अभी सामने नहीं आ सकता। क्रिप्टो का जो पॉलिसी है
तो ये ज़्यादातर तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में रही है, जिन्होंने हमेशा रिफ्यूज़ ये किया है क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करने के लिए। उन्होंने हमेशा क्रिप्टो करेंसीज को इलीगल ही बताया और इसके ऊपर बहुत बड़े टैक्सेस लगाए हैं। लेकिन अगर इस तरीके से काम बांट दिया जाता है सेबी, आरबीआई, इंडियास फाइनेंस मिनिस्ट्री, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए के बीच में, तो देन डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसीज लीगल तौर पर चलना शुरू हो जाएंगी और हमें बहुत बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी, जिसमें टीडीएस भी कम होगा और टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा कम किए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा आपको मीम कॉइन बाय करना चाहिए या फिर किस में ट्रेड लेना चाहिए, तो वो है बॉम कॉइन, बुक ऑफ मीम कॉइन। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे चाहे पेपे कॉइन है, बॉम कॉइन है, शिबा इनू है, डॉज कॉइन है, काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, लेकिन इनमें से एक जो टॉप मीम कॉइन ट्रेडिंग में चल रहा है तो वो बॉम कॉइन ही चल रहा है। और बॉन्क कॉइन को डेफिनेटली बॉम कॉइन रिप्लेस भी करने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि इसमें जिस तरीके से भी मोमेंटम हम देख पा रहे हैं, बहुत ही बड़ा बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, तो ये बहुत ही जल्द उसको क्रॉस भी करेगा। तो इसमें हमें जो डेली के वॉल्यूम्स हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में दिख रही हैं, तो इतना ज़्यादा जब वॉल्यूम हमें ट्रेडिंग में ही दिख रहा है और इसका जो मार्केट कैप भी बढ़ रहा है, उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि बॉम कॉइन को बॉम बहुत ही जल्दी क्रॉस करने के साथ साथ हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देने वाला है। और मार्केट अभी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के हिसाब से न्यूट्रल थोड़ी सी आ गई है, अगर 60 से ऊपर जाती है तो फिर से क्या है कि ये फिर से ग्रीड में आ जाएगी और बीटीसी का प्राइस भी दोबारा से $17,000 को अभी टारगेट करना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल हमारे आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करो, अगर क्रिप्टो करेंसीज की लीगैलिटी को लेकर डाउट है या फिर टैक्स को लेकर डाउट है वो भी नीचे कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे या फिर मैं आपको इसी में जवाब दे दूंगा। और जो अभी मैंने एयर ड्रॉप डाला हुआ है हमारे टेलीग्राम के ऊपर, तो वो जाकर चेक जरूर करना। बिटमार्ट के ऊपर हमें काफ़ी सारे एयर ड्रॉप्स मिले हैं, हमारे काफ़ी सारे यूज़र्स हैं जिनको एयर ड्रॉप्स मिले हैं, और ऐसा नहीं है कि वो एयर ड्रॉप ऐसे वैसे होते हैं, वो आप सेल करो या यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लो, किसी भी तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बिटमार्ट वैसे भी अच्छा एक्सचेंज है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।